नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सेबी और सहारा से रिलेटेड, आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो कि सुब्रत रॉय जो कि सहारा इंडिया परिवार के हेड हैं और उनकी कंपनी के विषय में मैं बात करने वाला हूँ। तो इसलिए इस हमारे वीडियो को पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सहारा में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि सहारा में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो सब रिफंड की मांग कर रहे हैं। तो ये वीडियो जनरली उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया है जो लोग सहारा से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि उनको जो है पैसा मिल सके। तो अब मैं समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, सुब्रत रॉय सहारा ने किया दावा सेबी द्वारा की जा रही पैसों की डिमांड है पूरी तरह से गलत। सहारा ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में उसे प्रिंसिपल राशि जो लगभग 24,700 करोड़ रुपए है जमा करने का निर्देश दिया और हम पहले ही 22,000 करोड़ रुपए जमा करवा चुके हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं मिस्टर सुब्रत रॉय जी की है, जो कि सहारा के मेन चीफ हेड है, यानी कि मेन जो ऑनर हैं वो उनकी मैंने आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। तो इसका दम बात करते हैं नई दिल्ली। सहारा ग्रुप ने आरोप लगाया है कि बाजार नियामक से भी पक्षपाती होकर काम कर रहा है और वह सहारा ग्रुप से 62,600 करोड़ रुपए की मांग एकदम गलत है। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा ने अपने एक बयान में कहा कि सेबी द्वारा की जा रही मांग पूरी तरह से गलत है। सहारा ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में उसे प्रिंसिपल राशि जो लगभग 24,700 करोड़ रुपए है जमा करने का निर्देश दिया और हम पहले ही 22,000 करोड़ रुपए जमा करवा चुके हैं। सेबी अब गलत ढंग से शुरुआत में 15% ब्याज जुड़कर गलत तरीके से 62,600 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। सहारा ग्रुप ने कहा कि सेबी ने पूरे देश में लगभग 150 अखबारों में विज्ञापन देकर दावों को आमंत्रित किया, लेकिन बावजूद इसके वह अभी तक निवेशकों को केवल 107 करोड़ रुपए का ही भुगतान कर पाया है। सेबी ने अपने अंतिम विज्ञापन में यह दावा किया था कि अब वह और किसी दावे पर विचार नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अब कोई दावेदार नहीं बचा है। सारा समूह बहुत पहले ही अपने निवेशकों को उसका धन लौटा चुका है, तो ऐसे में नए दावेदार कहाँ से आएंगे। सेबी पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर रहा है। ये दोहरे भुगतान का एक जटिल मामला है। उल्लेखनीय है कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को तुरंत 62,600 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने की अपील की है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि भुगतान ना करने पर सुब्रत रॉय सहारा को की पेरोल को निरस्त कर दोबारा जेल भेजा जाए। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि सहारा इंडिया परिवार ग्रुप की दो कंपनियों और ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय पर ब्याज सहित कुल 62,600 करोड़ रुपए की देनदारी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया कि ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये सारा इंडिया बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि सारा इंडिया परिवार में बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका उनके पैसे को रिफंड हो सके और बहुत ही एक्सपेक्टेशन है उनकी कि बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो सहारा का जो बचा हुआ पैसा सहारा से जो अपना पैसा है वो ले सके। सहारा का जो सहारा से जो इन्वेस्टमेंट किया था सहारा कंपनी पे और वो जो लोग रिफंड चाह रहे हैं वो इस एक्सपेक्टेशन में है कि उनको पैसा मिल सके। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको जो है सेबी और सहारा इंडिया परिवार के विषय में मैंने आपको जानकारी दी है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे घंटी के बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की निरंतर रूप से नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, और सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस
मिलते रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आगे नए वीडियो में और देते हैं आपको नई नई जानकारी और नए अपडेट्स। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।